मोबाइल न्यूज 24 में मैं हूं नुपुर सिंह। अगर आप दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली में आपका अपना घर है तो आपके लिए ये खबर बेहद काम की है। जी हाँ, आपने किसी टीवी चैनल, अखबार या फिर सड़क पर लगे होर्डिंग में ये जरूर पढ़ा होगा कि आपके घर का टैक्स, जिसे हाउस टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स बोला जाता है, वह माफ हो गया है। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन आप इस योजना का किस तरह लाभ ले सकते हैं, इसे जानने के लिए हमारे संवाददाता अभिषेक कुमार सांबर नगर स्थित एमसीडी हाउस टैक्स डिपार्टमेंट सेंट्रल जोन कार्यालय पहुंचे और वहां के अधिकारियों से बातचीत की। आइए देखें ये रिपोर्ट। यहां पर हमारे साथ इस कार्यालय के तमाम जो वरिष्ठ अधिकारीगण हैं वो जुड़ रहे हैं, जो ब्रीफ के साथ हमें ये समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो समृद्धि योजना है वो है क्या और इसके लिए किस तरह से आम लोगों को फायदा मिलने वाला है, आम लोग कैसे इसमें आवेदन कर सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दें और ये बताएं कि समृद्धि योजना है क्या। नमस्कार, मेरा नाम हरीशचंद कश्यप है और मैं यहाँ पर ज्वाइंट असेसर एंड कलेक्टर के पद पर नियुक्त हूँ। जो समृद्धि योजना है ये इसके अंदर संपत्ति कर वन टाइम योजना पहली बार आई है। ये इसके तहत जो हमारे आवासीय ऑथोराइज कॉलोनीज के जो फ्लैट्स हैं या नियमित ऑथोराइज रेगुलराइज कॉलोनीज के जो फ्लैट्स हैं उसके लिए हम लोग 5+1 करके पिछले 5 सालों का और इस साल का 1 साल का लेके बाकी का जो पीछे का जितना भी बकाया संपत्ति कर है उसको पूरा वेव आउट कर रहे हैं। और ये वाला भी जो हम टैक्स लेंगे इसके अंदर विदाउट इंटरेस्ट पेनल्टी के हम लोग टैक्स ले रहे हैं, तो इससे मतलब वन टाइम आई है और बहुत अच्छी योजना है ये। इसके साथ साथ जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें भी ये है कि 6+1 उसमें 6 साल का और 1 साल का अभी का देकर पीछे का सारा बकाया माफ़ है। और ये योजना पहली बार आई है और इस बहुत अच्छी योजना है, इससे मतलब सभी लोग फ़ायदा उठा सकते हैं कि जिन्होंने पहले कभी अपना संपत्ति कर नहीं जमा कराया है या जिसने कभी गलत जमा करा दिया है या उससे कुछ अपना कवर्ड एरिया में या उसके यूज़ फैक्टर वगैरह में कुछ उन्होंने गलती कर दिया, तो वो इस बार अपना ठीक करा के और अपना टैक्स जमा करा सकते हैं। और साथ साथ हम लोग इसके अंदर NOC भी साथ साथ दे रहे हैं कि आपका फिर कोई पीछे का बकाया नहीं है, तो ये बहुत अच्छी योजना है और सभी लोग इसे फायदा उठा सकते हैं। क्या ये अनधिकृत कॉलोनी, आपने कहा अधिकृत कॉलोनी, अनाधिकृत कॉलोनी के लिए भी कोई स्कीम अभी आई है? हाँ, अनऑथराइज कॉलोनीज के लिए भी एक स्कीम आई हुई है हमारी, वो एमनेस्टी स्कीम है जिसके तहत जो रेजिडेंशियल संपत्तिज हैं उसके अंदर हम लोग 1+1 करके 1 साल का पीछे का और 1 साल का देकर पीछे का सारा बकाया माफ़ है। और अनऑथराइज कॉलोनी में जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं उसके अंदर हम लोग 3+1 का लेके और पीछे का सारा माफ़ है उस योजना के अंदर। तो ये दोनों योजनाएं बहुत अच्छी हैं, एक तो अनऑथराइज कॉलोनीज के लिए, दूसरी ऑथोराइज कॉलोनी, ऑथोराइज रेगुलराइज कॉलोनीज वगैरह। जरिए आपको काफी जानकारी मिली होगी। वहीं समृद्धि योजना के संबंध में जानकारी लेने आए कुछ लाभार्थी से भी अभिषेक कुमार ने बातचीत की। अब इस कार्यालय जो सांबर नगर में स्थित है, इस कार्यालय में कुछ टैक्स पेयर जो अपना टैक्स पे करने के लिए आए थे और उन्हें इस योजना का लाभ मिला है, उनसे जानेंगे कि समृद्धि योजना जो है इससे आपको क्या लगा, कैसा लगा? किस स्कीम है ये? हमारी तो पूरी दिल्ली वासियों से अपील है कि स्कीम का फ़ायदा उठाना चाहिए और स्टाफ का बहुत अच्छा कोऑपरेशन है यहाँ पे। हम तो ये, मैंने भी अपना पूरा इसका बेनिफिट लिया है। मैं तो सब लोगों से ये अपील करूँगा, दिल्ली वासियों से, यहाँ आएँ और इस स्कीम का फ़ायदा उठाएं। न्यूज़पेपर में मैंने इसका आर्टिकल पढ़ा था, मैं उसी स्कीम के रिलेटेड यहाँ पर आया हूँ। यहाँ आने के बाद आपको क्या? यहाँ आने के बाद काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी प्रकार की, स्टाफ भी काफ़ी सपोर्ट कर रहा है। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि अब हमारे पिताजी ने पीछे क्या किया हमें नहीं मालूम, लेकिन अब हम क्या है कि 5+1 6 साल का मेरे ख्याल से टैक्स है ये जमा कराएंगे और पिछले सारा रिलीफ हमें मिल जाए। सबसे बढ़िया बेनिफिट इसका ये। देखा आपने, मौका है आपके पास इस योजना का लाभ उठाने का। उम्मीद है ये खबर आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल मोबाइल न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आप और आपके जानने वाले रह सके देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट।